वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मैजिक उपटन फॉर ग्लोइंग स्किन के लिए, जिसके लिए हम स्टार्टिंग से ही अपने फेस को अच्छे से क्लींजिंग करेंगे। और क्लींजिंग के लिए हम अपना जो हमारा किचन इंग्रेडिएंट्स है रॉ मिल्क का यूज करेंगे अच्छे से, और अपने पूरे फेस को क्लीन करेंगे। हम आज अपने पूरी बॉडी का डिटैन रिमूव करेंगे, जिसके लिए हमें अपने हैंड्स के ईब्लो एंड नेक एंड फेस और अपने जो है लेग्स के पैर के पूरे जो हमारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, तो उनको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्लींजिंग कर ली है रॉ मिल्क से पूरी अच्छे से। उसके बाद हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए होगा राइस पाउडर एंड मिल्क, दोनों को अच्छे से ऐड करेंगे। और जो हमारा डार्क एरिया है हमारे हाथ में, पैर में और फेस में, गर्दन में, आपका बैक जो गले पे है, सारी चीज़ों पे अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग अगर आपको जैसे ऑयली स्किन है तो आप इसमें रोज़ पाउडर या आप मिल्क का यूज़ कर सके करके स्क्रब कर सक बनाएंगे। अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इसमें दही अर्थ कर सकते हैं, हनी अर्थ कर सकते हैं। एंड अगर आपको नॉर्मल आपकी कॉमन स्किन है तो आप इसमें दही भी ऐड करके कर सकते हैं, मिल्क भी ऐड करके कर सकते हैं, किसी भी तरह से। और आपको बनाना है इसको अच्छे से आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए, जो आपकी डेड स्किन है, टीटेन वगैरह है, सारा कुछ रिमूव हो जाए, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो हम इसको अच्छे से जो हमारा डार्क एरिया उस पर रब करेंगे और स्क्रबिंग कर लेंगे पूरे हाथों में एंड पैरों में अपने फेस पे। उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से हम क्लीन करेंगे। इससे जो ये नेचुरल स्क्रब है, इससे आपकी बॉडी किसी भी तरह से डैमेज नहीं होती, मैंने पहले भी बताया है। एंड आपकी बॉडी बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाती है, जो आपका टीटेन वगैरह है और जो आपका ब्लैक एरिया है वो अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, और आपकी स्किन निकर भी जाती है बहुत पूरी तरह से। और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कुछ भी खर्च नहीं करना है, तो आप नॉर्मल अपने घर पर ही कर सकते हो। हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपने, और उसके बाद हम बनाएंगे उपटन फेस पैक। जो मैजिक हमारा आज का फेस पैक है, इसको हम अपने जो डार्क एरिया है और फेस के साथ साथ हम अपने बॉडी के जो हाथ के पैर के यूब्लो हैं, नी हैं, वहाँ पे अच्छे से अप्लाई करेंगे इस फेस पैक को। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हल्दी और बेसन, और इसमें चाहिए होगा पील पाउडर ऑरेंज का, और उसके बाद हमें चाहिए इसमें रोज़ वाटर और नींबू, जिससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे पूरे फेस पे, और जैसे मैंने बताया अपने हाथों पे, पैरों पे, जिससे हमारा जो उपटन होता है, उपटन वैसे ही बहुत ही मैजिक एंड बहुत ही पुराने टाइम से हमारे यूज में है, और जिससे हमारा स्किन बहुत ही अच्छे से निखर के आता है, बहुत ही ग्लोई होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, नेचुरल होता है। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन पर बहुत सारी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, जैसे हमारे ब्लैक हेड्स हो गए, वाइट हेड्स हो गए, एंड हमारे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, और उसके बाद हमारी जो भी स्किन की ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको ख़त्म करने के लिए आप उपटन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी, आपको घर पे ही मिल जाती हैं, तो कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं लेना है आपको। और इसे हम अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स पे अप्लाई कर लेंगे जहाँ पे मैंने स्क्रबिंग किया है। आप इस उपटन को अपनी फुल बॉडी क्लीनिंग के लिए भी, ग्लोइंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से अपने पूरे हाथों पे और पैरों पे और अपने डार्क एरिया पे, नेक वगैरह पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इसको हम सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट तक तो ये ड्राई होने में लग ही जाएगा। उसके बाद इसे हम नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद जब हम इसे क्लीन करेंगे, अमेजिंग गाइस, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है और मुझे बहुत ही पसंद है ये, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरी स्किन को देखिए, बहुत ही, मेरी स्किन ऐसी है, ऑयली स्किन है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे इसे क्लीन करना ही पड़ता है, हर टाइम इसकी केयर करनी ही पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो ही जाती है मुझे। तो जब मुझे ये उपटन सूट कर रहा है, मुझे ये उपटन बेसिकली बहुत ही पसंद है, मेरे लिए, मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो आपकी स्किन के लिए ऑलमोस्ट अच्छा ही होगा। तो